चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। सो मैजिका पहुंच चुके हैं और आज करण भाई एकदम सही दिन लाए हैं। आज भीड़ बहुत कम है सो हम पूरा एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से। सो लेट्स सी और हमने उसकी लॉटरी हो गई है। हम सोच रहे थे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट टाइम पे पहुंच गए। हम घर से निकले थे तो गूगल मैप पे कितना दिखा रहा था, हम 5:20 पे पहुंचेंगे। साढ़े तीन बजे आप पहुंच गए। गूगल मैप का भी कोई पागल बनाता है आपका। टोनी स्टार्क, टोनी स्टार्क, ये गफ्फार का टोनी स्टार्क है। और मुंबई में कोई सस्ती सी मार्केट है बकवास थी। अंकल लाइफ के पूरे मजे ले रहे हैं। लव अब इसकी तबीयत ठीक हो गई। इसमें कुछ ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा है इतना होगा। जस्ट अभी एक रोलर कोस्टर था, वो था डीप स्पेस। बहुत सही था, बहुत सही था। पूरा अंधेरा होता इसमें और लॉन्चिंग स्पीड होती है 180। कैसा लगा दी थी? सुनो 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 सुनो, कैसा हुआ तेरा गर्दन, कैसा हुआ? मेरा गर्दन मेरा यूं नीचे हो गया पूरे, ऐसे जा रहा हूं ऊपर रॉकेट में। अरे जैसा टर्न हुआ मेरी चेन सीधा ऊपर, ये गिरती ना मिलती नहीं, मैं सीधा ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। अरे भाई लॉन्चिंग स्पीड पता है क्या हुआ था? ऐसा हो गया था 80 किलोमीटर। लॉन्चिंग स्पीड बहुत थी। करण तो गायत्री मंत्र पढ़ रहा। मैं पीछे से पता क्या करता, करण ने मरवा दिया। करण डीजे से मरवा दिया। अदिति तेरे तू कर ले आराम से, इसको डर ही नहीं है भाई। ट्रैक दिखा दो, 180 किलोमीटर भाई, ये 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। चार बार 360 डिग्री है। बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है। सीधे रिएक्शन, तू जाएगा भाई। चलो इससे छोटा वाले चलते हैं, घर में जल्दी आओ। हाँ तो अभी रोलर कोस्टर में ऐसा है कि हम थोड़े छोटे वाले में जा रहे हैं क्योंकि हमारी पहले का तो पहले हम देखना चाहते हैं कि थोड़ी पढ़ने पे हम बाकी सकते हैं, फिर ज्यादा पढ़ेगी तो असल भाई। तो पहले थोड़े वाले में जा रहे हैं, फटी थी बाकी सब भी फट गई। ये मना कर रहा है, पर इसको जाना चाहिए। वो सबसे सही है, डेयरिंग सबसे ज्यादा वो है। सो ये नई राइड, ये फर्स्ट रोलर कोस्टर होगा जो छोटा है। इससे पहले आउटडोर कोई भी नहीं करा, तो ये पहला है। अरे भाई सबसे आगे बैठे हैं। ये सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है इसका यहाँ का। और अदिति ने पहले झूला हुआ था, उसको डर नहीं लग रहा, बट मुझे लग रहा है भाई। मेरी गजब फटी है। और हमारे साथ अभी दो जने हुआ ना, करण भाई की तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत सबकी फटी पड़ी है, मतलब बहुत लंबा है यार, बहुत। अभी आपको दिखाता हूँ एक क्लिप इसे। ये दाढ़ी वाले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। चलो भोले बाबा का जाप करते हुए
Come on guys, raise your hands. मोहित भैया हाँ सुजोश एंजॉय मेरी टीम हाँ सुजोश मैं अब रिव्यू लेता हूँ ट्रूली रिव्यू देना कैसा था सर घूम रहे आंखें ही नहीं खोली अदिति कैसा था कैसा था मुझे देख के मजा आ गया ये झूले नहीं प्रियांशु प्रियांशु आना चल और प्रियांशु कैसा रहा लास्ट टाइम बच बच गए पहले आगे बंदी जो बोल रहा था ना कि उसकी फटेगी वो यही था उसकी आगे बंदी वो ऐसे पूरी रेड में ऐसे बैठे थे मैच का ट्रिप खत्म होते हुए और हम जाते हुए घर वापस मुंबई यहाँ से ट्रैफिक बहुत मिलेगा मुंबई में घुसने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे बट मैच का सीरियसली बहुत ही मज़ेदार था भाई बहुत सही था बहुत फन हुआ रोलर कोस्टर बहुत ही अलग थे बहुत मज़ेदार थे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे रोलर कोस्टर ट्राई करे थे बहुत सही था गाइस चाय वाला किसी से वेट नहीं हो रहा इसने स्टार्ट भी कर दिया पानी का इसका पानी का ये पानी करण भाई पानी पूरी बताओ करण भाई सही पानी पूरी पी रहे हो खाओ मना नहीं करा रिव्यू दो कैसा है हाउ इज इट भैया छलावा लावा का क्या कहानी का क्या सीन है होता है यहाँ छलावे की बात होती है छलावा है कोई नहीं भूत प्रेत की बात होती है ना इस पुराने हाईवे पे कि भूत प्रेत होता है छलावा होता है वो नहीं, सच कुछ नहीं। सच नहीं है झूठी कहानी है झूठी कहानी है क्या है ये पूरे रास्ते बताते हैं करण भाई नहीं सच बात है ऐसा छलावा नहीं है लाइट से वजह से सब भाग गया लाइट का अंधेरे में जाओ अपना अपना छावा है ऐसे दिखेगा ऐसा का फिर आए सही है क्या सारी कहानी झूठी है हेलो ऊबर कैफे वाले भैया अभी बताता हूँ तुझे यहाँ के छलावा किसके लिए तेरी मार के भाग गया तुझे पता है तेरी मार के भाग गया रिकॉर्डिंग कर रहा है ये बढ़िया है